अभी हम लोग देखते हैं रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला शीट, रोटेशनल मोशन के फॉर्मूला शीट, रोटेशनल मोशन। ओके, बहुत इजी है। अगर आप इसको रिलेट करके चलोगे अपना नॉर्मल मोशन के साथ, जो कि हम लोग काइनामेटिकल मोशन, जो कि 1 डिग्री में होता है, जिसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं काइनामेटिक्स में, अगर उससे आप रिलेट करके चलोगे तो रोटेशनल मोशन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज डिनोटेड बाई थीटा। ओके, और इसका यूनिट होता है रेडियन। इसका डायमेंशन होगा m0 l0 t0, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, हमें पता है। एंगल, कोई भी एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, दोनों ही यूनिट है, बट डायमेंशन उनका नहीं है। तो रेडियन यूनिट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया, रेडियन। थीटा से डिनोट करते हैं, डायमेंशन कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। इसका कोई फॉर्मूला है नहीं एक्चुअली, क्योंकि थीटा तो थीटा होता है। अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो आप, लेंथ ही होगा, उसका कुछ फॉर्मूला होगा क्या, नहीं। नेक्स्ट आएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इज द ओमेगा, अगर एवरेज ले रहे हो तो एवरेज ले लो इसको, विच इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ओके, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये दोनों वेक्टर्स नहीं होते। वी ओमेगा एवरेज इज नॉट अ वेक्टर, बट वी इंस्टेंटेनियस इज अ वेक्टर एंड डी इंस्टेंटेनियस डी थीटा इज अ वेक्टर, ये याद रखना, ये दोनों वेक्टर है। ओके, ये वेक्टर नहीं है। Not a vector, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी आगे जाके देखते हैं, वी इंस्टेंटेनियस हो गया, ये हो गया एंगुलर। अगर इसका ही हम लोग वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड ले ले तो हमें स्पीड मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड हो जाएगा। नाउ ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया वेलोसिटी, हो गया एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज डिनोटेड बाई अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा तो हर केस में, अगर एवरेज लो या इंस्टेंटेनियस लो, तो दिस इज ऑलवेज अ वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, इट इज ऑलवेज अ वेक्टर, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, एवरेज है ना, तो टाइम इंटरवल ही आ गया। अगर इंस्टेंटेनियस होता तो ये होता डी ओमेगा बाई डी टी, हो गया यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसे आ गया। इसका भी, ये भी एक्सेलरेशन, इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है इसका यूनिट, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एंगल का तो जीरो होगा, और एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड नीचे ऊपर आएगा, टी माइनस टू हो जाएगा इसका। ठीक है, अभी हम लोग ने सर्कुलर मोशन में ये पढ़ा था कि दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, सेंट्रीपेटल, रेडियल। उन सब का अगर थोड़ा रिवाइज करना चाहें तो ए रेडियल का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा क्रॉस वी, ए रेडियल ना, ओमेगा क्रॉस वी। ओके, और ए सेंट्रीपिटल का क्या फॉर्मूला था, ए सेंट्रीपिटल का था अल्फा इंटू आर। इसका अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखे तो आर आर क्रॉस अल्फा होगा, आर क्रॉस अल्फा होगा, चेक कर लेना, अगर मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, आर क्रॉस अल्फा ही होगा, आर क्रॉस अल्फा। ये टेंजेंशियल है और ये रेडियल मतलब सेंट्रिपिटल। ठीक, इतना हो गया। तो ए टोटल क्या आ जाएगा, ए टोटल अपना आ जाएगा ए रेडियल प्लस ए टेंजेंशियल का वेक्टर एडिशन, ए टोटल आ जाएगा अपना। तो ये हो गया, तो ये हो गया अपने बेसिक टर्म्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फॉर एंगुलर मोशंस। अभी हम लोग कंपेयर करते हैं लीनियर मोशन, जो अपना नॉर्मल केस का मोशन था, और हमारा एंगुलर मोशन को कंपेयर करते हैं, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। ठीक, लेट्स कंपेयर इट। एक लाइन डाल देंगे ना, अच्छा रहेगा।
कंपेयर करना चालू कर देते हैं हम लोग इसमें से। सबसे पहले इसमें क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन पहले तो हम लोग जीरो ले लो, फर्स्ट केस एक्सेलरेशन जीरो, तो लीनियर मोशन में क्या होता था, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट तो हम लोग डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड इनटू टाइम निकाल सकते हैं ना, कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इसको इधर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स मिल जाएगा हमें। ये कब हो गया, एक्सेलरेशन जीरो। इस केस में अगर ये रहेगा अल्फा इक्वल टू जीरो, तो इस केस में भी सेम ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू टी, सेम लाइक दिस। देखो कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे जो एक्स है, मैं बताता हूँ, जो लीनियर में जो एक्स है वो इधर थीटा हो जाता है, इधर जो वी है वो हो जाएगा ओमेगा, इधर जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा अल्फा, इधर जो फोर्स है वो हो जाएगा टॉर्क, और अभी के लिए इतना देखते हैं बाकी सब। हाँ, इधर जो मोमेंटम है वो हो जाएगा इधर एल, एंगुलर मोमेंटम, ऐसे सब चेंजेस आएंगे। इधर जो मास है इधर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, एनालॉगस है ये सब एक दूसरे के। ओके, तो फर्स्ट हो गया एक्सेलरेशन जीरो मान लिया हम लोग ने, अभी हम लोग मानते हैं कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। ओके, एक्सेलरेशन अगर कॉन्स्टेंट है तो वी चेंज होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो हम लोग काइनामेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, काइनामेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए। तो काइनामेटिकल इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हो गया, ये हो गया काइनामेटिकल इक्वेशन, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और एक भी फॉर्मूला होता है एस एंथ का, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, हो गया एस एंथ का फॉर्मूला। वैसे ही अगर यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट रहा तो यहाँ पे भी काइनामेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, तो ओमेगा चेंज होगा और काइनामेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं हम लोग। काइनामेटिकल इक्वेशंस कैसे, इन सब में जो मैंने ये चेंजेस बोले ये कर दो, जिधर भी वी दिख रहा है उधर आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल प्लस अल्फा टी, ये हो गया फर्स्ट काइनामेटिकल इक्वेशन। सेकेंड क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, ये हो जाएगा थर्ड काइनामेटिकल इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन। ओके, और इसमें एस एंथ का फॉर्मूला मतलब थीटा एंथ क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय टू टू एन माइनस वन, ये हो जाएगा थीटा एंथ। ठीक है, तो ये हो गया अपना एनालॉगस। अभी थर्ड केस देख लो, थर्ड केस क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है बट वेरी कर रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो आप काइनामेटिकल इक्वेशन नहीं कर सकते, कैन नॉट यूज काइनामेटिकल इक्वेशन। तो इस केस में आपको क्या, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि है अगर वेलोसिटी निकालना है तो आपको डी एक्स बाई डी टी मतलब डी एस बाई डी टी करना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन निकालना है तो dv by dt करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला था, अगर मैं इस dv by dt में dx और dx का मल्टीप्लाई कर दूं, dx by dt क्या हो जाएगा v, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा v dv by dx, ये भी एक फॉर्मूला है। ओके, dx dx मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों चले गए, ये v बना लिया और ये dx by dv by dx, ये भी एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। उसी तरीके से अगर इस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन हो रहा है अल्फा, इधर का एक्सेलरेशन को अल्फा बोल देते हैं, अल्फा इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है अगर, मतलब वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो इसमें भी कैन नॉट यूज काइनामेटिकल इक्वेशंस। तो अपने बेसिक्स पे ही जाना पड़ेगा, काइनामेटिकल इक्वेशंस। तो बेसिक्स में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा को वैसे ही सिमिलर इसके जैसा फॉर्मूला आ जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, या तो अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो इस केस में भी एक फॉर्मूला और डाल सकते हो आप, कि एक्सेलरेशन इज डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजिशन वैक्टर।
तो इस तरीके से लीनियर और एंगुलर का ये हो गया आपका फुल कंपैरिजन, तीनों केसेस में क्या क्या लग सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम, अगर आपका लीनियर मोशन स्ट्रांग है तो एंगुलर मोशन भी सेम आ ही जाएगा। खाली आपको क्वेश्चन पढ़ना है ओमेगा नॉट क्या है, अल्फा क्या है, टी क्या है, थीटा क्या है, ये सब आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना है। ईजी है एंगुलर मोशन। तो ये हो गया अपना एनालॉग। अभी मतलब हम लोग कंपेयर तो कर लिया, अभी मेन एंगुलर मोशन में जाते हैं। जब भी हम लोग ने बोला था कि मास ऑफ लीनियर मोशन कन्वर्ट्स इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज डिनोटेड बाई आई, डिनोटेड बाई आई, जिसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, और इट इज डिफाइंड फॉर एक्सेस, डिफाइंड फॉर एन एक्सेस। मास तो आप समझो, आपको 5 kg का एक कोई भी ऐसा बॉल दे दिया, उसका बोला मास कितना है, आप वजन कर दोगे 5 kg। मैंने बोला है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, अगर आपने आंसर दे दिया वो गलत होगा, क्योंकि मैंने बोला नहीं कौन से एक्सेस पे निकालना है। आप इस एक्सेस पे निकालो, इस पे निकालो, इस पे, ये क्योंकि सर्कुलर तो सब एक्सेस सेम ही है। समझो दूसरा कोई बॉडी दे दिया आपको, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तो कोई भी एक्सेस दिया रहेगा, अलॉन्ग द डायमीटर, अलॉन्ग अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फिर अलॉन्ग द टेंजेंट टू द प्लेन, टेंजेंट टू द सर्फेस, ऐसा कुछ भी बोला रहेगा कोई भी एक्सेस, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि क्या पूछ रहा है वो। तो उस तरीके से आपको एक्सेस के लिए, और हर एक्सेस के साथ चेंज होगा ये आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस, और ये मास ऑफ द बॉडी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला ये है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर फॉर ये डिस्क्रीट मास के लिए हो गया, मतलब डिस्क्रीट मतलब पॉइंट मास के लिए। अगर कंटिन्यूअस बॉडी है तो उसका आई आप निकाल सकते हो इंटीग्रेशन से, आर स्क्वायर डी एम कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस मास के लिए आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। इसके कुछ देख लेते हैं, जैसे कि केजी पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एसआई यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा एसआई यूनिट, क्योंकि केजी मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस के मीटर में मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट हो जाएगा। सीजीएस में आप निकाल सकते हो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से सीजीएस निकल जाएगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, M1L2T0, M1L2T0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये हो गया अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैसे किस एक्सिस से निकालना है, क्या निकालना है। इसके लिए दो थियरम्स है, ओके थियरम्स है। एक होता है पैरेलल एक्सिस थियरम। पैरेलल एक्सिस थियरम क्या बोलता है, एक है बॉडी का सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये COM है जो हम लोग ने पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। COM है, इधर से एक्सिस पास हो रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो ICM रहेगा, मतलब ICOM, मतलब जो COM से पास कर रहा है उस एक्सिस से ICOM रहेगा। अगर इसके ही पैरेलल में इधर एक निकाल दूं और इसका आई पूछूं आपको, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि इट इज आई, दिस आई इज इक्वल टू ICOM प्लस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा MD2, ये हो जाएगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए एक होना चाहिए आपके पास ICOM, जो भी बॉडी का पूछा, जैसे कि आपको समझो ये डिस्क पूछ लिया, डिस्क का ये ICOM आपको रटा होना चाहिए। फिर आपको अगर इधर से पूछ लिया, इधर पूछ लिया, किधर भी पूछ ले, खाली आपको इधर का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, और ICM बताना चाहिए। तो दो एक्सिस का इसको पता होने के लिए हमें उसका सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करता है पैरेलली, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करता है पैरेलली, वो पता होना चाहिए हमें। ओके ठीक, तो ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ बॉडी, ऑल काइंड ऑफ बॉडी के लिए वैलिड है। दूसरा एक आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दिस इज वैलिड फॉर प्लेनार बॉडीज, दिस इज वैलिड फॉर प्लेनार बॉडीज ओनली। प्लेनार बॉडी कोई भी ले लो आप, ऐसा एक शीट ले लिया, तो आपको समझो इस एक्सिस से पता है, इस एक्सिस से पता है, इस एक्सिस से निकालना है। तो इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एक्सिस, जिसका आई एक्स ले लो, ये आई वाई ले लो, और ये आई जेड, आई एक्स आपको पता है, आई जेड आपको पता है, ये निकालना है हमें। तो ये पॉइंट किधर भी हो सकता है, इस इधर भी, अगर इधर निकालना रहेगा था तो आपको इस पॉइंट का एक्सिस, इसको पॉइंट का और इस पॉइंट का निकालना रहता। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, किधर से भी पास कर सकता है इन प्लेनर बॉडी, इधर हो किधर भी हो, बट आपको उस पॉइंट से पास करते हुए तीन लाइन होंगे, तीन में से कम दो का आपको पता रहना चाहिए। ओके तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई जेड विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये परपेंडिकुलर वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, जो पैरेलल वाले हैं
मतलब जो ऐसे राइट एंगल पे उसके, तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ये होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अगर आपको आई, अगर समझो आपको आई जेड दिया है, आई वाई निकालना है, तो आई वाई निकालना है, आई जेड माइनस आई एक्स कर दो, आई वाई आ जाएगा। तो हमेशा परपेंडिकुलर वाला शुड बी इक्वल टू द पैरेलल्स वाले, ऐसे दो जो प्लेन में है वो उनका सम होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एक रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलता है, रेडियस ऑफ गायरेशन वो होता है, मतलब कोई भी बॉडी के लिए जनरल निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, के हो जाएगा आई अंडर रूट ऑफ एम, दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई भी चीज़ का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उसको मास से डिवाइड करके अंडर रूट ऑफ आई एम, ये याद रखो आई एम आर स्क्वायर जैसा ही तो है, खाली आर की जगह के आ जाएगा, और वो के को ही हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना आसान हो जाएगा, और रेडियस ऑफ गायरेशन आपको बहुत यूज होगा फॉर रोलिंग वाले पार्ट में, जब भी हम लोग रोटेशनल काइनेटिक, फिर ट्रांसलेशन काइनेटिक, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे रोलिंग वाले पार्ट के लिए के। ओके, तो इतना हो गया अपना एक्सिस के बारे में, थियोरम्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट द बेसिक, जैसे हम लोग एक्सेलरेशन वेलोसिटी पढ़ने के बाद फोर्स पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क। क्या पढ़ेंगे? टॉर्क डिनोटेड बाय टाउ। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, याद रखना आर क्रॉस एफ टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए आर एफ साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो साइन थीटा बेसिक मैथ्स में पढ़ा है, आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ओके, और इसका डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, ये हो गया आर क्रॉस एफ है, ये याद रखना। इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, आर के ऊपर वेक्टर के हाथ रखो, फिर एफ की तरफ क्रॉस करो, तो आपको जो थंब का डायरेक्शन विल गिव यू, राइट हैंड थंब रूल से आ जाएगा, थंब का डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क लग रहा है जहाँ पे, ये हो गया अपना टॉर्क। अभी जैसे हमने पढ़ा था फॉर लीनियर मोशन और एंगुलर का, वापस इधर कंपेयर कर लेते, छोटा सा टॉपिक है, जो कि हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी पी बाई डी टी, ये पढ़ा था कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसी के एनालॉगस में हमें ये भी पता चला, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस डी एल बाई डी टी, माइनस डी एल बाई डी टी, ठीक है, ये भी अभी आगे काम आएगा। और एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। उससे पहले जैसे कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो होता, इधर ही लिख देते क्योंकि इधर कंपेयर किया तो इधर लिख देते, लीनियर में अगर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो है, देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इन इक्विलिब्रियम होता है। तो उसी तरीके से अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा, देन बॉडी इन इक्विलिब्रियम। अभी दोनों ही इक्विलिब्रियम बोल रहे तो फर्क क्या है, दिस इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दिस इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि टॉर्क क्या प्रोवाइड करेगा, रोटेशन। अगर टॉर्क रहता तो रोटेशन कराता, बट टॉर्क नहीं है, या तो आप एफ एक्सटर्नल बोल दो, या एफ एक्सटर्नल जो भी लग रहा है उसका नेट, ये भी बोल सकते हैं आप, एफ एक्सटर्नल जितने भी लग रहे हैं उनका नेट जीरो है। ओके, तो टॉर्क नहीं रहेगा, नेट टॉर्क जीरो होगा तो रोटेशनल, नेट फोर्स जीरो होगा तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया, और एक एनालॉगस इनके बीच में, ठीक है। इसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय एल। एल का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू वी। तो एल का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, एल इज इक्वल टू एम, बाहर ले लो, आर क्रॉस वी, क्योंकि ये स्केलर है एम और ये दोनों वेक्टर है, आर क्रॉस वी है, याद रखो आर क्रॉस पी और आर क्रॉस वी है, और इधर आर क्रॉस एफ है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में ये याद रखना, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में पढ़ा था कि अगर वेक्टर का आगे पीछे हो गया, पोजीशन अल्टरनेट चेंज भी हो गया, तो भी उसका सम सेम, मतलब उसका आंसर सेम रहेगा, बट मैग्नीट्यूड चेंज रहेगा, और मैग्नीट्यूड चेंज होने से आंसर में बहुत फर्क पड़ सकता है इन केस ऑफ फिजिक्स। ओके, डायरेक्शन चेंज हो जाता है डायरेक्टली, तो आर क्रॉस वी है ये हो गया हमारा, ये फॉर पॉइंट मास है, ये जो फॉर्मूले दिए वो पॉइंट मास के लिए है। फॉर कंटिन्यूअस मास बॉडी, या कंटिन्यूअस या रिजिड बॉडी आप ले लो,
रिजिड बॉडी अगर होगा, रिजिड बॉडी के लिए, अगर ये रिजिड बॉडी के लिए होगा तो एल को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा, लीनियर मोमेंटम, सॉरी आई इंटू ओमेगा ही होगा। अच्छा से लिखते हैं, कंटिन्यूस रिजिड बॉडी एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, आई ओमेगा फॉर अ कंटिन्यूस बॉडी, ये हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है, ये हम लोग ने डिफाइन कर लिया पहले ही, तो टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस डी एल बाई डी टी, तो गलत हो जाए, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस डी एल बाई डी टी, ये हमें पता है। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऑफ टॉर्क इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे चेंज इन मोमेंटम, वापिस और एक एनालॉग, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स विच इज एफ डॉट डी टी का इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे भी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम वुड बी इम्पल्स, बट ये एंगुलर इम्पल्स बोल देंगे, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू टॉर्क डॉट डी टी। ओके, तो इधर से आ जाएगा अपना ये एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स विच इज दिस टॉर्क इनटू डीटी, इसको डेल्टा एल से भी डिनोट कर सकते हो आप। फिर आप अगर आपका टॉर्क कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अगर नहीं कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट कर लोगे, ये हो गया एंगुलर इम्पल्स का काम। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, और याद रखना ये आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जिधर से पूछा है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ आस्किंग, आस्किंग मतलब क्वेश्चन में जिधर से पूछा है, समझो आपको ओरिजिन से पूछा है तो ओरिजिन से उसका आर निकालो। अगर आपको पूछा है कि आप इधर खड़े हो और आपके रिस्पेक्ट में क्या उसका एंगुलर मोमेंटम है, तो आप जिधर खड़े हो वही उस पॉइंट से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड अभी ले रहे हैं, और इसका भी राइट हैंड थंब रूल से ही आ जाएगा डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। ओके, मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये, तो एम वी आर साइन थीटा ये भी लिख सकते हैं हम लोग, और डायरेक्शन आपको कैसे पता है, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन पता चल जाएगा। ओके, और क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, कोई भी रहने दो, टॉर्क रहने दो, एंगुलर मोमेंटम रहने दो, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का मैंने बताया अपने बेसिक मैथ्स के वीडियो में, जो कि होता है आई जे के लिखो, फिर आर वन कोऑर्डिनेट, आर टू कोऑर्डिनेट, आर थ्री जैसे दिया है वैसे, पहले आर है तो आर आएगा, इसमें भी पहले आर है तो आर आएगा, फिर नेक्स्ट अगर हम लोग टॉर्क निकाल रहे तो एफ वन एफ टू कोऑर्डिनेट, एफ थ्री कोऑर्डिनेट, मतलब एफ एक्स एफ वाई एफ जेड वो जरूर रहेगा, ये हो जाएगा टॉर्क। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम का आर वन आर टू आर थ्री, फिर अगर लीनियर मोमेंटम दिया तो वो डाल दो, अगर लीनियर मोमेंटम दिया तो वेलोसिटी डाल दो इसमें, अगर वेलोसिटी दे दो, वैसे करके आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं ये तो पता है आपको, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कैसे, देख सकते हो आपको। फिर इतना होने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके, आगे अभी आता है काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, हाफ इज इक्वल टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, पहले क्या होता है बता मेरे को, के ई ट्रांसलेशनल होता है हाफ एम बी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रोटेशनल के ई वुड बी हाफ, एम को किससे रिप्लेस करते थे आई, वी को किससे ओमेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसमें सब आपका ना ट्रांसलेशन का सबका सब रिवाइज हो रहा है, हम लोग के ई को ट्रांसलेशन में के ई टी लिख देता हूँ मैं, के ई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि मोमेंटम का स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर अपन टू एम, ये लिख सकते हैं हम लोग, और क्या लिख सकते हैं, के ई को हम लोग लिख सकते हैं कि पी इंटू वी बाई टू। उसी तरीके से विद द सेम लॉजिक काइनेटिक रोटेशनल को लिख सकते हैं हम लोग एल स्क्वायर बाई टू एम, टू आई, एम को आई से रिप्लेस करेंगे तो टू आई आ जाएगा इधर, और के ई रोटेशनल हो जाएगा, ये ट्रांस है ट्रांसलेशन, तो ये हो जाएगा एल ओमेगा बाई टू। ओके, फिर अगर एल कांस्टेंट है, फॉर एल इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि के ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई फॉर एल कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम के स्क्वायर, आई को ही हम लोग एम के स्क्वायर लिख देंगे जनरल के लिए। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एनालॉग। फिर
वर्क, रोटेशनल वर्क, रोटेशनल वर्क। अभी ट्रांसलेशनल वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज फोर्स इंटू डी एस, ये होता है ना। तो रोटेशनल वर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर लो। रोटेशनल में हम लोग कैसे निकालें, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के ई, वर्क एनर्जी थियरम से डेल्टा के ई आ जाता है। तो यहाँ पे भी वर्क रोटेशनल आ जाएगा डेल्टा के ई, बट ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ही आ जाएगा। ये हम लोग वर्क एनर्जी थियरम वेट यहाँ पे भी लगा सकते हैं दोनों के केस में, ठीक है। रोटेशनल पावर देखो, रोटेशनल पावर सब उसके जैसा ही सेम है, ट्रांसलेशन आता है तो यह भी आता है आपको। फिर रोटेशनल पावर क्या होता है, पहले हम लोग ट्रांसलेशन पावर देखते हैं। पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, या तो पावर को हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो रोटेशनल पावर क्या आ जाएगा, पावर रोटेशनल आ जाएगा टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क डॉट ओमेगा, इंटू नहीं, टॉर्क डॉट ओमेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू पावर ऑफ रोटेशनल, ये भी लिख सकते हो आप। और डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते, टॉर्क डी थीटा, इसको हम लोग टॉर्क डी थीटा भी लिख सकते हैं। डी थीटा बाई, और डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा, यही आ गया ना, वही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया सब रोटेशनल मोशन के बारे में। अभी हमें पढ़ना है रोलिंग मोशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे।